विशाल शर्मा जो जूड़िया मलाल का रहने वाला था और जिसकी बड़ी छोटी उम्र थी, 22 साल उसकी उम्र थी, 4 साल पहले ही वो आर्मी में भर्ती हुआ था, जिसके पिताजी का नाम बाबूराम और माता का शकुंतला देवी। इनके परिवार में माता पिता के अलावा एक बहन, पिताजी 15 साल पहले चले गए थे और 3 महीने पहले ही बहन की शादी करने के बाद 1 महीना पहले जी अपनी ड्यूटी पर गया और 6 तारीख की जो घटना हुई, इनके जो साथी कुछ बर्फ के तूफान में गिर गए थे और उनको ढूंढने के लिए, वो मिस थे, उनको ढूंढने के लिए ये और 4-5 नौजवान जो थे वो गए। जैसा कि हमें पता चला कि पहली बार ऐसा हुआ है कि भी एक बार तूफान आने के बाद, थम जाने के बाद 4-5 घंटे के भीतर दूसरी बार भी वो तूफान आ गया, जिसकी लपेट में जे पांचों उसकी लपेट में आ गए और 2 पहले जो नौजवान थे, 7 लोग जो थे उनकी वहां पर शहादत हो गई। इनके माता पिता, जो पिता तो नहीं रहे हैं लेकिन इनकी बहन और माता जी बड़े सदमे में हैं और आप देख रहे हैं कि पूरा गांव जो है, गांव ही नहीं पूरा क्षेत्र, पूरा इलाका जो है आज सदमे में है और भारत माता के जयकारे लगाते हुए विशाल शर्मा अमर रहे ऐसे नारे इस गांव में जो है आज लगा रहे हैं। विशाल तो चला गया, वो तो देश का और इस गांव का नाम रोशन कर गया, उसकी शहादत हुई है, लेकिन पीछे जो परिवार में बहन और माता जी रही हैं, ये उनके लिए ये सदमा सहन करना बहुत ही मुश्किल है। इस दुख की घड़ी में पूरा देश और पूरे गांव वाले उनके साथ खड़े हैं। मैं देख रहा हूँ कि आर्मी ऑफिसर भी बड़े आए हुए हैं। इस दुख की घड़ी में अब यही कहना चाहते हैं कि इस सदमे को सहन करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि साहस दे। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप करिए 9728253663 पर।